हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 6 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखो इक्वेशन क्या दिया है, तो 7 सब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, x प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू x प्लस ए होल रेस टू 5। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले मैं उसे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। सो देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर है और इसके साथ में x प्लस ए है। तो सबसे पहले हमें ये x प्लस ए को रिमूव करना होगा dy बाई डी एक्स से, तब जा करके वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड है dy बाई dx से, तो उसे रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड ईच टर्म को x प्लस ए से डिवाइड करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय x प्लस ए, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस ए से डिवाइड किया x प्लस ए चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 अपॉन x प्लस ए और ये इंटू मैं y को वैसे रखता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर भी x प्लस ए से हमें डिवाइड करना है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ से क्या मिलता है। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये 3 अपॉन x प्लस ए इंटू वाई में वैसे रखता हूँ इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज टू 5 है अपॉन एक्स प्लस ए रेज टू 1 है, तो ये कैंसिल करोगे तो पावर यहाँ पे सिर्फ 4 बचने वाला है। तो आई विल राइट हियर एक्स प्लस ए रेज टू, देखो यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर देखो y का टर्म मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे आपका x का फंक्शन आपको दिया है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हाँ अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम कंपेयर करेंगे। तो हमें देखो यहाँ से पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, पी इक्वल टू, तो पी का वैल्यू हो जाएगा वाई का कोएफिशिएंट साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन देखो एक्स प्लस ए हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या रहता है राइट हैंड साइड जो भी आपको टर्म या फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिया है एक्स प्लस ए होल रेज टू 4, तो ये देखो हमारा पी एंड क्यू का वैल्यू हो गया। ठीक है, एक बार आपको पी एंड क्यू का वैल्यू मिल गया उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं पी इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, पी कितना दिया देखो यहाँ पर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो ई के पावर में माइनस 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए अगर आप एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 मिलेगा। सो जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ए कॉन्स्टेंट है वहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए आएगा दिस वे। ठीक है, थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए और माइनस 3 देखो लॉग के पहले मल्टीप्लाइड है तो वो पावर में चला जाएगा, तो जब पावर में जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा दिस में। अब लॉग का बेस तो ई रहता है, नेचुरल बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो लॉग का प्रॉपर्टी है ई है और ये लॉग बेस ई है, तो निकल जाएगा एक्स प्लस ए होल रेज टू माइनस 3 बचेगा आपका, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, बार बार हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल गेट हियर एक्स प्लस ए रेज टू माइनस 3 हो गया। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इसे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन
एक्स प्लस ए का पावर 3, ऐसे भी देखो हम इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस में। एक बार हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, अब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ आप लिखोगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हाँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आएगा dx, ये फॉर्मूला आपका है स्टैंडर्ड। सो y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है 1 अपॉन x प्लस a होल रेस टू 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का वैल्यू चेक करो, q का वैल्यू आपको मिला है x प्लस a रेस टू 4, तो यहाँ पर मिला है आपको x प्लस a का पावर 4 मिला है q का वैल्यू इंटू, एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर देखो मिला है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन x प्लस a का पावर देखो q है, और यहाँ पे dx और प्लस c ऑलरेडी हम लिखते हैं फॉर्मूले में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो आपको y अपॉन x प्लस a द होल क्यूब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x प्लस a का क्यूब है और न्यूमरेटर में x प्लस a का पावर 4 है, तो क्यूब कैंसिल होगा पावर 4 से, तो सिंपली आपको बचेगा यहाँ पे x प्लस a इंटू डी एक्स और ये प्लस c, तो अब देखो मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसे, क्या आंसर आएगा, सो दिस इज y अपॉन हो जाएगा x प्लस a द होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस a का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिख दो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a कांस्टेंट है, आपको पता है k का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा kx, तो a का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आएगा ax, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ax और ये प्लस c, तो ये देखो हमारा जनरल सॉल्यूशन है, अगर आपने ये आंसर लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर चाहिए तो मैं आपको डिफरेंट वे से देखो सिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, सही है, मैं यहाँ पे देखो और करके एक दूसरा सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है y अपॉन x प्लस a द होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a, x प्लस a का इंटीग्रेशन में पावर 1 लेकर के भी सॉल्व करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है x का अलग से निकाला इंटीग्रेशन और a का अलग से निकाला, तो x का इंटीग्रेशन क्या मिला x square upon 2 और a का इंटीग्रेशन ax मिला है, तो अगर मैं x प्लस a का पावर a लेकर के अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो x प्लस a का इंटीग्रेशन होगा x प्लस a का पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 आएगा और ये प्लस c आपका रहेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसे हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे अपॉन में x प्लस a द होल क्यूब है, तो अगर ये अपॉन का x प्लस a द होल क्यूब अगर आपको रिमूव करना है तो बोथ साइड आपको x प्लस a द होल क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर y अपॉन x प्लस a द होल क्यूब इन टू मल्टीप्लाई करता हूँ मैं x प्लस a द होल क्यूब से, दिस इज इक्वल टू x प्लस a का देखो ये होल स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस a द होल क्यूब से और ये प्लस c को मल्टीप्लाई करना है x प्लस a द होल क्यूब से दिस वे, तो ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू x प्लस a द होल स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस a द होल क्यूब है, तो ये कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस a होल रेस टू 5 अपॉन 2 मिलेगा प्लस देखो यहाँ पर c इंटू एक्स प्लस a द होल क्यूब मिलेगा, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बैक आंसर लाने का, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है, ये अपॉन 2 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड में 2 से इंटू भी कर देता हूँ, तो बोथ साइड में 2 से इंटू करूँगा तो 2y हो जाएगा अपॉन 2 जाएगा, यहाँ पर देखो x प्लस a रेस टू 5 बचेगा, यहाँ से भी 2 से इंटू करना है तो 2c इंटू एक्स प्लस a द होल क्यूब, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपको टेक्स्ट बुक के बैक आंसर दिया है, अगर आपने यहाँ तक किया तो भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, तो हमने 7 सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया।
देखो एट सब क्वेश्चन हमें दिया है, डी आर प्लस ब्रैकेट में है 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू, देखो यहाँ पे डी थीटा है और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा इसे मॉडिफाई करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बोथ साइड ना डी थीटा से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये टर्म जो है आपका सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा मिल जाएगा, सो दैट हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ डिवाइड, हाँ सो आई विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड बाय ये हो जाएगा डी थीटा। सो देखो आपको क्या मिलेगा डी आर अपॉन डी थीटा प्लस ये देखो आपका 2r इंटू दिस इज कॉट थीटा प्लस देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा डिवाइड किया डी थीटा से तो 1 हो जाएगा वो और ये 0 अपॉन डी थीटा देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी थीटा प्लस देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉट थीटा इंटू आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, इसे देखो मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ प्लस साइन 2 थीटा को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा देखो माइनस साइन 2 थीटा मिल जाएगा दिस वे। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो आई विल राइट हियर देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ, हम किससे कंपेयर करेंगे देखो यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो पी आर इक्वल टू क्यू, मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ से p का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे p का वैल्यू r का कोएफिशिएंट मिलेगा जो कि है यहाँ पर 2 cot थीटा है और देखो हमें यहाँ पे q का वैल्यू कितना मिलेगा इक्वल टू q है तो हमें q का वैल्यू मिलेगा माइनस साइन 2 थीटा, इतना आपको समझा रहेगा p और q का वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है ये इतना आपको समझा रहेगा। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू पावर में इंटीग्रेशन हो जाएगा p इंटू हमको लिखना होगा यहाँ पर d थीटा, सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन में p का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे 2 cot थीटा है और इंटू क्या आएगा आपका ये d थीटा, इंटीग्रेशन निकालता हूँ मैं सो दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू, ये इंटीग्रेशन है थोड़ा मैंने स्मॉल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है तो 2 इंटू कॉट थीटा डी थीटा तो 2 तो बाहर आएगा और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा, तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ यहाँ पे लिख दो आप साइन थीटा, ऐसे हम देखो लिख सकते हैं ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दो ये हो जाएगा e रेस टू लॉग ऑफ ये साइन स्क्वायर देखो थीटा हो जाएगा बिकॉज 2 से मल्टीप्लाइड था तो मैंने लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया तो लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगेन लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग का बेस e होता है तो e लॉग टू द बेस e जाएगा, सिर्फ आपका यहाँ पे लॉग के बाद का जो फंक्शन होता है ना वो बचता है तो ये हो गया देखो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है देखो फॉर्मूला आएगा आर इंटू हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमें यहाँ पे लिखना होता है क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे क्या आएगा इंटू देखो हम लिखेंगे डी थीटा लिखेंगे दिस वे और प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आर तो एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे लिख दो आर इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू का वैल्यू हमें मिला है माइनस साइन 2 थीटा हाँ तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन 2 थीटा इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और ये इंटू डी थीटा प्लस सी रहेगा ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो सो दिस इज इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू देखो आएगा डी थीटा और ये प्लस सी आपका एज इट इज़ रहेगा। नाउ सी हियर, अब देखो ये पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, साइन 2 थीटा है साइन का डबल एंगल तो साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं वही देखो यहाँ पर करता हूँ आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा माइनस ऐसी रहने वाला आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा राइट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और ये देखो आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी एज इट इज़ रहेगा
सो दिस इज आर इन टू, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, कॉन्स्टेंट है मैं उसे बाहर भी ले सकता हूँ, तो टू अगर आपने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा और ये प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन तो ईजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को टी पुट कर दूंगा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्रेजेंट है वहाँ पे, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा रिप्लेस हो जाएगा आपका डी टी से और ये टी रेज टू थ्री हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम इजिली निकाल सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट, हम लिखेंगे पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा बोथ साइड, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका देखो डी टी अपॉन डी थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा डी टी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं देखो इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर देता हूँ, तो आई विल राइट फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू इंटू, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा है, हमने साइन थीटा को टी लिया था तो ये हो जाएगा टी रेज टू थ्री हो जाएगा इंटू देखो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी टी, तो यहाँ पे आप लिख दो डी टी और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा देखो आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू इंटू टी रेज टू थ्री का इंटीग्रेशन आपको पता है, टी रेज टू थ्री का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी रेज टू फोर अपॉन फोर हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर टी रेज टू फोर अपॉन फोर और ये प्लस सी एज इट इज रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू और फोर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा माइनस टी रेज टू फोर अपॉन टू आएगा और यहाँ पे देखो प्लस सी हो गया। हम t का वैल्यू यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू t का वैल्यू, हमने t क्या लिया है देखो यहाँ पे साइन थीटा लिया हुआ है, तो t के प्लेस पे लिख दो साइन थीटा, तो साइन रेज टू फोर थीटा हो जाएगा और ये प्लस c। एक स्टेप में और लिखता हूँ वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे r इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, राइट हैंड साइड में माइनस हाफ साइन रेज टू फोर थीटा है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो लिखेंगे यहाँ पे प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा साइन रेज टू फोर थीटा और ये देखो इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका सी बच रहा है, सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट भी सॉल्व कर दिया, देखो नाइन्थ सब क्वेश्चन हमें दिया है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल जीरो, तो देखो डी वाई के साथ में ना यहाँ पर दो टर्म्स है, तो सबसे पहले मुझे ये डी वाई को यहाँ से रिमूव करना होगा तब जाकर ये सिंप्लीफाई होगा, तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड में डी वाई से डिवाइड कर देता हूँ, तो बोथ साइड अगर मैं डी वाई से तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिवाइड, हाँ डिवाइड बोथ साइड बाय, मैं देखो डी वाई लिखता हूँ, सो दिस इज़ वाई इंटू अगर मैं डी वाई से डिवाइड करूँगा तो ये देखो डी एक्स अपॉन आपका हो जाएगा डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई से डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल जीरो अपॉन डी वाई, तो जीरो हो जाएगा वो, मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ इसे, तो देखो यहाँ पर वाई है ना वाई मुझे नहीं चाहिए बिकॉज जो हमारा लीनियर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई या तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका सेपरेट होता है, तो मैं क्या करता हूँ वाई नहीं चाहिए ना तो डिवाइड में यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय मैं वाई कर देता हूँ, तो इसको डिवाइड करोगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स को डिवाइड करो वाई से तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और ये देखो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल जीरो अपॉन वाई मतलब जीरो हो जाएगा ये, सो दिस आई कैन राइट डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई को मैं वैसे ही रखता हूँ, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर माइनस वाई इक्वल जीरो बच रहा है, तो आई कैन राइट दिस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई को वहाँ पे शिफ्ट कर दो प्लस वाई हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो मैं इसे कंपेयर करूँगा, हाँ तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या होता है डी एक्स अपॉन डी वाई
प्लस होता है, देखो यहाँ पे आपका पी एक्स इज इक्वल टू की होता है, ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको देखो पी का वैल्यू मिलेगा, पी का वैल्यू कितना मिलेगा, पी का वैल्यू मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट है 1/y, तो लिख दो यहाँ पर 1/y। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इक्वल टू होता है राइट हैंड साइड का जो भी आपका टर्म रहेगा, तो राइट हैंड साइड का टर्म देखो यहाँ पर वाई है, तो क्यू का वैल्यू वाई हो गया। आफ्टर दैट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं पी डी वाई, ये रूल तो आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, पी का वैल्यू कितना मिला है हमें, पी का वैल्यू हमें मिला हुआ है देखो 1/y, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू डी वाई, सो दिस इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, तो 1/y का इंटीग्रेशन आपको पता ही है लॉग वाई होता है, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बेस ई रहता है लॉग का, तो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ई लॉग ही चला जाएगा, सिर्फ y बचेगा, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें यहाँ पे लिखना होता है q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे इंटू क्या आएगा डी वाई, और ये प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, बाय रखना है आपको, तो x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर y मिला है, सो y हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, q का वैल्यू कितना हमने निकाला है, q का वैल्यू देखो y है, तो यहाँ पे लिख दो आप y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो y, तो यहाँ पे y लिख दो इंटू देखो डी वाई, और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई, और ये प्लस सी हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, तो दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y रेज टू 3/3 हो जाएगा, सो दिस इज y रेज टू 3/3, और ये प्लस सी हो गया। अगर आपको और इसे मॉडिफाई करना है तो बोथ साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा इज इक्वल टू y रेज टू 3 प्लस देखो आएगा 3c। तो देखो इसे और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी वो करेक्ट रहेगा, सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है 1-x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स इंटू 1-x² होल रेज टू हाफ दिया है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिया है, यहाँ पर देखो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है, तो पहले हम ट्राई करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाइड है 1-x², उसको रिमूव करेंगे, तो 1-x² को रिमूव करने के लिए बोथ साइड आपको 1-x² से डिवाइड करना होगा, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 1-x² हम करेंगे, तो इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म को तो 1-x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये देखो आपका 2xy है, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 1-x² से, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर देखो एक्स इंटू 1-x² होल रेज टू हाफ है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 1-x² से, ठीक है सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, मैं इसे देखो ऐसे लिखता हूँ 2x अपॉन 1-x² इंटू वाई, ऐसे सेपरेट भी लिख सकता हूँ कोई इशू नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू देखो 1-x² पूरे का पावर हाफ है, और यहाँ पर 1-x² पूरे का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो इसे जब मैं न्यूमरेटर में लूँगा तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा, दिस वे सो दिस आई कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे 2x अपॉन 1-x² इंटू देखो आपका y एज इट इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू 1-x² हाफ -1, तो अगर मैं हाफ -1 करूँगा तो मुझे -1/2 मिलेगा, तो देखो आपका पावर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये पी वाई के फॉर्म में हो गया, और ये देखो आपका Q हो गया, तो अब मैं इसे कंपेयर करूँगा, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हाँ
हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं कंपेयरिंग विथ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ कंपेयरिंग विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे मैं कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे देखो p का वैल्यू मिलेगा, p का वैल्यू मतलब वो y का कोएफिशिएंट है, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2x अपॉन देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, q का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू मुझे माइनस हाफ मिल रहा है दिस वे। इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं बिकॉज फार्मूला आपको पता ही है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e रेस टू पावर में आएगा इंटीग्रेशन, पावर में इंटीग्रेशन इंटू पी डी एक्स होता है दिस वे। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेस टू देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p का वैल्यू है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इंटू डी एक्स तो रहेगा ये आपका, सॉल्व करो। सो दिस इज e रेस टू, नाउ सी इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, माइनस से न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करता हूँ, ये हो जाएगा e रेस टू माइनस बाहर लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है माइनस 2x जो कि प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। सो दिस इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x और इसका फॉर्मूला आपको पता है log ऑफ f ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन देखो यहाँ पर f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो देयरफॉर हमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेस टू, ये माइनस को रिमूव करना है जो कि log के पहले मल्टीप्लाइड है, तो रिमूव करने के लिए हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, माइनस से मतलब माइनस वन है वो, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में चला जाएगा माइनस वन, आपको रूल तो पता ही है log का। यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं मतलब e लेते हैं हम, देखो यहाँ पर बेस, अब देखो log का प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा e log टू द बेस e जाएगा और यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर देखो माइनस वन आ रहा है। मैं थोड़ा और इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस सॉरी पावर माइनस वन है तो मैं इसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये देखो मुझे मिल गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू हम यहाँ पे लिखते हैं dx और ये प्लस ये आपका फॉर्मूला है। अब जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा आपका y इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू देखो आपको दिया हुआ है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, हाँ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू देखो यहाँ पर माइनस हाफ है और व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है देखो आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये डी एक्स है एंड दिस इज प्लस सी। देखो और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है एंड दिस इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ है और देखो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसे न्यूमरेटर में लेकर के जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, मैं वैसे ही लिखता हूँ अपॉन में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पावर 1 रहेगा, तो जब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है रूल ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया है इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू लिख दो आप ये डी एक्स प्लस सी। सो देखते कितना आता है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1,
तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस हाफ माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस थ्री बाई टू इंटू डी एक्स, और ये प्लस सी हो जाएगा। देखो इसके बाद अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूँगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ पर देखो एक्स प्रेजेंट है तो एक्स इंटू डी एक्स आपका माइनस डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टू डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन का। तो आई विल राइट हियर पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से माइनस टू एक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको देखो डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर आप इसे लिखो एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन हम टू लिख देंगे दिस वे। अब रिप्लेस हो जाएगा ये वन माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी हो जाएगा और एक्स इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी टी बाई टू से। तो देखते कितना मिलता है हमें, तो ये हो जाएगा आपका देखो वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आपका माइनस डी टी बाई टू हो जाएगा, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया था तो टी रेज टू देखो आपका ये माइनस थ्री बाई टू होगा इंटू देखो यहाँ पर एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टू, तो मैं लिख देता हूँ माइनस डी टी अपॉन टू और ए प्लस सी तो एज इट इज़ रहने वाला है। सो दिस विल बी वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले सकते हो आप इंटीग्रेशन के, तो हाफ को भी बाहर ले सकते हो, यहाँ पर सिंपली बचेगा टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू इंटू डी टी और ये देखो प्लस सी हो गया। सो दिस विल बी हमें मिलेगा y अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन। तो टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन आएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन और ये देखो आपका प्लस सी रहेगा। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो y अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू टी रेज टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टी रेज टू माइनस हाफ मिल जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको माइनस हाफ मिलेगा और ये देखो आपका प्लस सी हो जाएगा। देखो थोड़ा मैं और से सिंप्लीफाई करता हूँ, ये टू और ये टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली बचेगा क्या आपका देखो वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा टी रेस टू माइनस हाफ है, तो टी रेस टू माइनस हाफ जब अपॉन में आएगा तो टी रेस टू प्लस हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये वन अपॉन हम उसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं अंडर रूट में टी और ये देखो हो जाएगा आपका प्लस सी। अब इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो ये आपका है वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टी है, तो रूट टी अपने को टी का वैल्यू मालूम है ना, अपने को टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू हमने देखो अज्यूम किया था ना वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया था, तो टी को रिप्लेस कर दो वन माइनस एक्स स्क्वायर से और ये देखो आपका प्लस सी है। देखो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका करेक्ट रहेगा, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक आंसर चाहिए थोड़ा सा मैं और इसे मॉडिफाई करता हूँ। देखो यहाँ पे अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं बोथ साइड वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैं करता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पर भी देखो मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी दिस वे, तो ये आपका देखो कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर करके देखो होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पर और ये देखो प्लस सी। आई थिंक आपको समझा रहेगा मैंने यहाँ पर क्या किया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने रूट में लिख करके होल स्क्वायर लिख दिया सेम थिंग हो गया, पर इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपका डिनोमिनेटर का रूट चला जाएगा, तो एक्चुअली क्या मिल रहा है हमें वाई इक्वल टू, हाँ मैंने एक चीज़ देखो यहाँ पर मिस किया है वन माइनस एक्स स्क्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड ना, तो वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी वन माइनस एक्स स्क्वायर से आपका मल्टीप्लाई होगा ये ध्यान में रखना है ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सॉल्व हो गया।
नाउ सी देखो, 11th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू टैन इनवर्स एक्स दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है, बिकॉज अगर आपको इसे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो रूल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड ईच टर्म को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इन टू वाई आपका एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड करना है, सो दिस इज़ ई रेज टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड ईच टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। नाउ सी हियर, तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग, हाँ आई विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे लिखते हैं पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता है, इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में रहता है। तो हम देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आएगा, वाई का कोएफिशिएंट यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू देखो ई रेज टू टैन इनवर्स एक्स अपॉन है 1 प्लस ये देखो हो गया एक्स स्क्वायर दिस वे। तो अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होता है ई रेज टू पावर में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखते हैं हम पी डी एक्स, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू ये हो जाएगा आपका डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू ई रेज टू, हाँ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता है टैन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका ई रेज टू टैन इनवर्स एक्स। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हम यहाँ पे लिखते हैं q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पे लिखते हैं हम dx, ये फॉर्मूला है। ये जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे e रेज टू tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा e रेज टू हो जाएगा tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे e रेज टू टैन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e रेज टू टैन इनवर्स x अपॉन देखो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू टैन इनवर्स x, तो लिख दो यहाँ पर आप e रेज टू टैन इनवर्स x इंटू देखो आपका ये dx रहने वाला है। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये जगह y इंटू e रेज टू टैन इनवर्स x हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू टैन इनवर्स x इंटू e रेज टू टैन इनवर्स x है, तो ये e रेज टू टैन इनवर्स x का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो dx लिखेंगे प्लस c भी रहता है साथ में, यहाँ पर देखो प्लस c हमने नहीं लिखा प्लस c रहेगा ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे हम, टैन इनवर्स x है और टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सब्सटीट्यूशन मेथड, तो मैं क्या करता हूँ e रेज टू टैन इनवर्स x है ना उसको t ले लेता हूँ मैं, तो आई विल राइट हियर हम यहाँ पे लिखते हैं पुट e रेज टू टैन इनवर्स x इक्वल टू देखो मैं t ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो e रेज टू टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू टैन इनवर्स x आएगा इंटू करना होता है d बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा आपको मालूम है डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा दिस वे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा e रेज टू यहाँ पर टैन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx को यहाँ पे लेके आओ इंटू हो जाएगा और ये देखो आपका dt बच रहा है।
अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये हो जाएगा आपका y इन टू ई रेज टू टैन इनवर्स x, तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड का, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e रेज टू टैन इनवर्स x इन टू लिख सकते हैं हम e रेज, देखो यहाँ से आप स्टार्ट करो ज़्यादा बेटर वे समझेगा, e रेज टू टैन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स, तो e रेज टू टैन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स, सेम थिंग देखो यहाँ पर है, उसको रिप्लेस कर दो dt से, और ये जो e रेज टू टैन इनवर्स x है उसको आप t ले लो, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, t मिलेगा इन टू मिलेगा हमें dt, और ये देखो प्लस c ऐसे हमें मिल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा y इन टू e रेज टू टैन इनवर्स x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन आपको पता है t स्क्वायर अपॉन टू, और ये प्लस c हो जाएगा दिस वे, तो हम इसे लिख सकते हैं y इंटू ई रेज टू टैन इनवर्स x इज इक्वल टू, t का वैल्यू आप री सब्स्टिट्यूट कर दो, t का वैल्यू हमने क्या लिया था e रेज टू टैन इनवर्स x, ये हो जाएगा e रेज टू टैन इनवर्स x, ये पूरे का देखो होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाय टू, और ये प्लस सी हो गया। देखो इसे आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो ये हमारा देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया, तो जो आपका गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन मिला y इंटू ई रेज टू टैन इनवर्स x इक्वल टू ई रेज टू टैन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस c, तो हमारा ये सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1, टोटल यहाँ पर 11 क्वेश्चन थे, हमने ऑल 11 सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।